हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू रास इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर टू सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप आज हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं सो लेट स्टार्ट अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इट्स ओन एंड इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवेन बाय अर्स दीज सेट ऑफ कमांड्स आर कॉल्ड प्रोग्राम कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता है इसको जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तभी वो वर्क करता है और ये जो वर्क हम देते हैं उसे जो हम कमांड कहते हैं जो हम कमांड उसे देते हैं वो कमांड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं क्या कहते हैं प्रोग्राम दीज प्रोग्राम्स आर रिटिन इन कंप्यूटर लैंग्वेजेज सॉफ्टवेयर is the कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम that आर स्टोर्ड एंड रन ऑन the कंप्यूटर हार्डवेयर एंड assist यूजर्स टू वर्क ऑन the कंप्यूटर अब ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं कंप्यूटराइज लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है और सॉफ्टवेयर क्या होता है अब हम पढ़ेंगे बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर क्या है एक कंपाइलेशन है जो कि प्रोग्राम uh, हम जो बना रहे हैं जो सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं किसको? जब वो हार्डवेयर के पास जाते हैं ये जो सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस यूजर ने दिए हैं वो हार्डवेयर के पास जाते हैं और हार्डवेयर उनको भेजता है किसके पास में बेसिकली हार्डवेयर क्या है सी पी में वो सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होते हैं और फिर उन्हें डिस्प्ले किया जाता है मॉनिटर पे तो ये जो पूरा वर्क है ये एक सॉफ्टवेयर ही होल्ड करता है इस पर कौन वर्क कर रहा है कि कौन काम करा रहा है हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी और सीन ना मीन्स सॉफ्टवेयर क्या है वो पार्ट है जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही वो हमें कहीं पे दिखता है क्लियर सो so, अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर

हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन को समझ आती है लेकिन कंप्यूटर को नहीं समझ आती है सो so, जो ट्रांसलेटर होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज मींस बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जो यूजर और मशीन के बीच में इंटरफेस कराता है लाइक like, अगर आपको कंप्यूटर की मशीन मींस हार्डवेयर से वर्क कराना है तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जैसे कि आपको वो हो सकता है डॉस विंडोज़ या फिर यूनिक्स लाइनिक्स ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आप कंप्यूटर में विंडो नहीं डालेंगे जनरली हम लोग विंडो यूज कर रहे हैं अगर हम कंप्यूटर में विंडो नहीं डालेंगे तो हम उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं क्लियर नेक्स्ट पैकेजेस पैकेजेस लाइक लिंकर लोडर एडिटर अब ये जो पैकेजेस होते हैं ये भी क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं कौन लिंक कराएगा कैसे प्रोग्राम सिस्टम में लोड होगा कैसे उसको एडिट किया जाएगा इट्स ऑल कम्स अंडर द पैकेजेस एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बनाए जाते हैं एक पर्टिकुलर डिमांड के लिए बनाए जाते हैं अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन पैकेजेस एंड टूल्स की एप्लीकेशन पैकेजेस कौन से होते हैं एप्लीकेशन पैकेजेस वो होते हैं जो जर्नल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं लाइक like, आपको कोई लेटर लिखना है या आपको अपने डेटा को स्टोर करना है कुछ कैलकुलेशंस करनी है दैट इज़ वेरी जर्नल वेरी जर्नल तो वो जैसे कि आपका एम एस वर्ड हुआ एम एस वर्ड में आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं आप लेटर लिख सकते हैं एप्लीकेशंस बना सकते हैं पीपीटीज बना सकते हैं इस टाइप के जर्नल आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं ये एप्लीकेशन पैकेजेस लाइक एक्सेल, एक्सेल में आप अपना डेटा स्टोर करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं डी बी एम एस में आप अपने डेटा को कैसे स्टोर करते हैं कैसे मैनेज करते हैं इट कम्स अंडर द डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर स्पेशल क्यों कह कह रहे हैं हम इन्हें ये स्पेसिफिक डिमांड्स के ऊपर बनते हैं और स्पेशल क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये जनरल नहीं है ये पर्टिकुलरली अगर किसी स्कूल को अलग सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसके लिए अलग बनेगा किसी कंपनी को अलग सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसके लिए अलग बनेगा हो सकता है कि मेरे अकाउंट्स की डीलिंग अलग हो उसमें इन्वेंट्रीज अलग होंगी उसमें डेटा का फ्लो अलग होगा तो मैं उसको अलग तरीके से डिज़ाइन कराऊँगी ऐसे ही पेरोल इन्वेंट्री अकाउंट्स इन सब के लिए जैसे आप जाते हैं मॉल में और मॉल में बिग बाज़ार का जो बिलिंग का तरीका है वो बिल्कुल अलग है अगर आप जाते हैं विशाल में शॉपिंग करने तो वहाँ पे बिलिंग का तरीका बिल्कुल अलग है उनके आइटम्स भी अलग होंगे उनका तरीका भी अलग होगा तो विशाल को जो सॉफ्टवेयर हम बना के देंगे वो बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर होगा और बिग बाज़ार को जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो बिल्कुल अलग डिज़ाइन होगा तो ये होते हैं स्पेसिफिक एंड स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ओवरऑल ऑपरेशन एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ये कॉन्सेप्ट प्रोग्राम्स होते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ़ प्रोग्राम्स जो कि कंट्रोल करते हैं कि इसको ओवरऑल ऑपरेशन एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर में अंदर कैसे काम हो रहा है उस वर्किंग को कंट्रोल करते हैं इट रीड्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड करते हैं एंड ट्रांसफर द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि इनपुट डिवाइसेस से डेटा को लिया जाता है देन उसको मेमोरी में स्टोर किया जाता है उसको सी पी यू को दिया जाता है सी पी यू उसके ऊपर प्रोसेस करता है और प्रोसेस्ड डेटा फिर से मेमोरी में स्टोर होता है एंड देन वो आउटपुट डिवाइसिस को दे दिया जाता है डिस्प्ले के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू मेन टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओ एस इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर ओवरऑल एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इट एक्ट्स एज अ लिंक ये लिंक की तरह काम करता है कनेक्टिंग द यूजर एंड द हार्डवेयर एंड इनेबल्स दैम टू वर्क टुगेदर और उनको साथ में काम करने के लिए वो इनेबल करता है किसको यूजर एंड द हार्डवेयर मीन्स वट एवर यूजर इज गिविंग द इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर ऑपरेट्स दैम एंड देन प्रोवाइड आउटपुट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू रन सॉफ्टवेयर लाइक एम एस वर्ड पेंट एम एस एक्सल एम एस डॉस विंडो एक्स पी विंडो सेवन यूनिक्स लाइन एक्स मैक मैकओएस आर सम प्रोमिनंट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं आपके एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाउ वी विल अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं सबसे पहले डिवाइस मैनेजमेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये क्या कंट्रोल करते हैं वर्किंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट

और जब बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई मेमोरी यूज़ नहीं हो रही है या फिर वो डिलीटेड है तो भी वो मेमोरी को क्या करते हैं हम रिलीज कर देते हैं इसे कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट रन सॉफ्टवेयर नेक्स्ट इज रन सॉफ्टवेयर रन सॉफ्टवेयर एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक एम एस पेंट एम एस वर्ड एम एस पावर पॉइंट ये जो होते हैं उनको कौन रन कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन रन करा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट सो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोसेसर मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब्स टू इट प्रोसेसर मैनेजमेंट कौन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है किस इनपुट uh, डिवाइसेस को या किस आउटपुट डिवाइसेस को कौन कौन से फंक्शंस करने हैं कैसे प्रोसेस होगा डाटा के ऊपर और वो सारा जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन डिलीशन ट्रांसफर कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल इन ए अन ऑर्गेनाइज वे फाइल मैनेजमेंट का वर्क है कि कैसे जो फाइल्स हैं उनको क्रिएट करना है डिलीट करना है या कहीं ट्रांसफ़र करना है कॉपी करना है या फिर उनको कहीं पर स्टोर करना है इट्स ऑल मैनेज बाय फाइल मैनेजमेंट एंड दिस ऑपरेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी बाई मीन ऑफ पासवर्ड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अ कंप्यूटर और कंप्यूटर का मिस यूज़ ना हो उसके लिए पासवर्ड भी प्रोवाइड करना उसको सिक्योर करके रखना किसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम so now we will understand the utility program utility program performs specific task frequently related to managing a computer its devices or its program utility programs कौन से होते हैं ये कौन से software होते हैं ये वो software होते हैं जो computer को उसका work बहुत अच्छे and effective way में better way में कराने के लिए उसकी help करते हैं

रिकवर डेटा अगर कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाती है तो भी हम उसे रिकवर कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू दीज इंक्लूड एंटीवायरस, बैकअप डिस्क रिपेयर फाइल मैनेजमेंट सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोग्राम्स ओके सो दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस यूटिलिटी सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीवायरस यूटिलिटी दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अ कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस अटैक दे इंक्लूड टूल्स टू रिकवर लॉस्ट फाइल्स एंड प्रोटेक्ट द मशीन अगेंस्ट सिस्टम फेलियर जैसा कि आप जानते हैं कि वायरस आने से सिस्टम वर्क नहीं करता है लेकिन अगर हम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में एंटीवायरस डालते हैं तो हमें वो क्या करता है वायरस से बचाता है और हमारी फाइल लॉस होने से भी बचाता है जिससे कि सिस्टम फेलियर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं नेक्स्ट इज बैकअप दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डेटा इन केस ऑफ डैमेज और एक्सीडेंटल लॉस ओकेजनली अ हार्ड डिस्क मे फेल रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ऑल फाइल्स स्टोर्ड एन ट मीन्स इस बैकअप लेने से हमारी फाइल्स जो होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं और अगर हमारा सिस्टम फेलियर होता है तो बैकअप के थ्रू उसमें से हम सिस्टम के डेटा को रिकवर कर सकते हैं कंपेरिजन इट इज़ अ प्रोसेस दैट स्ट्रिंग फाइल्स सो दैट लेस डिस्क स्पेसेस इज़ ऑक्यूपाइड दीज फाइल्स कैन नॉट बी रीड डायरेक्टली एंड मस्ट बी डीकम्प्रेस्ड टू देअर एक्चुअल फॉर्म बिफोर यूज़ जैसे कि आपने विनजिप देखा होगा अगर हम किसी फाइल को देखिए एक तो ये फ़ाइल को श्रिंक कर देता है मीन्स फा, फाइल को बहुत ही लेस साइज़ में कर देता है और फाइल सिक्योर हो जाती है और फिर जब ये जिप में जा के आप उसको अनजिप करते हैं ज़िप में फाइल सेंड कर देते हैं फिर उसको अनजिप करते हैं तो फिर वो फिर से डिकमप्रेस्ड होती है और एक्चुअल फॉर्म में उसको आप रीड कर सकते हैं सो फॉर टुडे थैंक यू स्टूडेंट्स